जय हिंद साथियों, 8:30 बज चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है, हर सुबह 8:30 बजे धार्मिक क्लास है, यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज का लाइव क्लास एकदम शानदार क्वालिटीदार धमाकेदार होगा, जिसमें आप लोगों से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कम से कम आप लोगों को इस टेस्ट में 22 का सही जवाब देना है। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। आप लोगों को इसका राइट आंसर जल्दी से बताना है। तो भूगोल का जनक जो कहा जाता है वो इरेथोजनीज को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे सवाल यहां से उठाकर पूछ दे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो अरस्तु को कहा जाता है। अगर आपसे सवाल यहां से उठाकर पूछ दिया जाए कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक जो कहा जाता है वो हीरोडोटस को कहा जाता है। तो बढ़ेंगे दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कॉल्ड सिस्टर ऑफ अर्थ, यानी कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो पृथ्वी का बहन जो कहा जाता है वो शुक्र को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिक, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, आप लोगों को बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है, तो महाभारत जो लिखा गया है वो महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है, आप लोगों को बताना है। तो विश्व में सबसे लंबा नदी जो होता है वो नील नदी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वेयर डिड द दांडी मार्च बिगिन, यानी कि दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ था, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो दांडी मार्च की जो शुरुआत हुआ था वो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि दांडी मार्च का शुरुआत कब हुआ था, तो इसका जो शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 में हुआ था, ध्यान से देख लीजिएगा, 12 मार्च 1930 में हुआ था। किसने स्टार्ट किया था, तो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया की राजधानी कहां है, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है जापान का जो राजधानी है वो टोक्यो में है, और ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है वो कैनबेरा में है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विथ विच गेम इज विराट कोहली रिलेटेड, यानी कि विराट कोहली का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो विराट कोहली का जो संबंध है वो क्रिकेट खेल से है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे सवाल यहां से उठाकर पूछ दिया जाए कि डिएगो माराडोना जो है वो किस खेल से जुड़े हैं, तो डिएगो माराडोना जो है वो फुटबॉल से जुड़े हैं, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो भारत का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड बाय विवेकानंद, यानी कि विवेकानंद ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो विवेकानंद ने जो की थी वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे सवाल यहां से उठाकर पूछ दिया जाए कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर है, तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है वो पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की, तो दयानंद सरस्वती ने जो की थी वो आर्य समाज की स्थापना की थी। बात कर ले राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे दोस्त, मैं आप लोग के लिए कितनी मेहनत करता हूँ मैं आपको सच्चा बात बताता हूँ। मेरा तबीयत इस समय बहुत ही खराब चल रहा है, मैं फिर भी आप लोगों के लिए
क्लास जरूर अटेंड करा रहा हूँ। तो प्लीज मेरे दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को आवाज में भी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा तो प्लीज मेरे दोस्त वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वेयर वॉज द लूरर ऑफ टीपू सुल्तान, यानी कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो टीपू सुल्तान जो शासक था वो मैसूर का था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, यानी कि प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ था, आप लोगों को बताना है। तो प्रथम गोल में सम्मेलन जो हुआ था वो 1930 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी बता है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन विच स्टेट इज द नथुला पास लोकेटेड, यानी कि नथुला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर बताइएगा। तो नथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे सवाल यहां से उठाकर पूछ दिया जाए कि बनियाल दर्रा कहां पर है, तो बनियाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेघदूत, यानी कि मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है, आप लोगों को बताना है। तो मेघदूत पुस्तक के जो लेखक है वो कालिदास है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टीचर डे कब मनाया जाता है, तो टीचर डे जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपका इस टेस्ट में कितना सही होता है आपको कमेंट करके पूरा ईमानदारी के साथ बताना है कि आपका इस टेस्ट में कितना सही हुआ। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, आप लोगों को बताना है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो कम से कम जो उम्र चाहिए वो 35 वर्ष चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति का कितना होता है न्यूनतम एज, तो राष्ट्रपति का भी जो होता है वो 35 वर्ष ही होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लोकसभा अध्यक्ष का न्यूनतम आयु कितना होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होता है वो 25 वर्ष होता है। तो इसी के साथ आप लोगों का जनरल नॉलेज का प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल, यानी कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो सेब में जो अम्ल पाया जाता है वो मेलिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बैटरी में जो अम्ल पाया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट ऑर्गन अफेक्ट गोइट्री डिजीज, यानी कि घेंघा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, आप लोगों को बताना है। तो घेंघा जो रोग है वो गला को प्रभावित करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु इज द गैस प्रोड्यूस व्हेन लाइटिंग स्ट्राइक्स, यानी कि बिजली गिरते समय पैदा होने वाली गैस कौन है, आप लोगों को बताना है कि जब बिजली गिरता है उस समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न होता है, इसको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्योरिटी ऑफ मिल्क, यानी कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन है, आप लोगों को बताना है। तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र जो होता है वो लैक्टोमीटर होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विद्युत धारा किसमें नापा जाता है, तो विद्युत धारा जो नापा जाता है वो अमीटर से नापा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भूकंप का तीव्रता किससे नापा जाता है, तो भूकंप का तीव्रता जो नापा जाता है वो सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट वुड बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CO होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम जो होता है वो CO2 होता है। अगर आपसे
से पूछ दिया जाए कि ऑक्सीजन का केमिकल नेम क्या होता है, ऑक्सीजन का जो होता है वो O2 होता है, और बात कर ले ओजोन की तो ओजोन का जो होता है वो O3 होता है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बाय हुम डज द फिश रेस्पायर, यानी कि मछली किसके द्वारा श्वास यानी कि सांस लेती है, आप लोगों को बताना है। तो मछली जो सांस लेती है वो गिल्स के द्वारा लेती है, यानी कि गलफरों के द्वारा लेती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज हाइड्रा बॉडी लाइक, यानी कि हाइड्रा का शरीर कैसा होता है, आप लोगों को बताना है। तो हाइड्रा का शरीर जो होता है वो बेलनाकार होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हिच गैस इज यूज्ड व्हेन मेकिंग सोडा वाटर, यानी कि सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है, आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो सोडा पानी बनाते समय जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ होमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन का एक मुख्य घटक, आप लोगों को बताना है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक जो होता है वो प्रोटीन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, आप लोगों को बताना है। तो जो ऊष्मा का सबसे मतलब बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो चांदी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोगों को बताना है कि आपका इस टेस्ट पेपर में कितना सही हुआ। अब आप लोगों से एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर बताना है। तो आप लोगों से पूछा गया है, प्रिटोरिया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, यानी कि प्रिटोरिया जो है वो किस देश की राजधानी है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो हो गया आप लोगों का एक मॉक टेस्ट पेपर, आप लोगों को बताना है कि इस मॉक टेस्ट पेपर में आप लोगों का कितना सही हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल का वीडियो में जाएगा वो फौजी सर का आएगा। तो हर रोज पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और वीडियो पसंद है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।